हिमाचल प्रदेश में कोविड 19 के 65 केसेस हुए हैं और इनमें से 24 केसेस एक्टिव है। 24 केसेस में एक हमारा HSC पंचरुकी पुलिस स्टेशन का और एक टांडा मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर भी शामिल है। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स इन्फेक्ट हुए हैं। हमें फ्रंटलाइन वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, हेल्थ वर्कर्स हो, पर्टिकुलरली आशा वर्कर्स जो दिन भर काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, होमगार्ड हो, इन सबके प्रति आभारी होना चाहिए। ये बिना छुट्टी के लगातार इस वक्त काम कर रहे हैं। और अफसोस की बात है कि बिलासपुर में एक डॉक्टर ने जब एक व्यक्ति को मास्क पहनने के लिए कहा तो उस पर हमला किया गया और जिस पर FIR दर्ज किया। पुलिस इन मामलों में सख्ती से कार्रवाई करेगी। जो भी होम क्वारंटाइन वायलेट करते हैं, इनको बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बड़ी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। देश में जो रिप्रोडक्टिव रेट या ट्रांसमिशन रेट कम हुई है, हम जब भी चलते हैं हमेशा ये सोचकर चले कि सामने वाला व्यक्ति या आसपास के व्यक्ति संक्रमित है। अगर हम ऐसा सोच के चलते हैं तो अपने आप को पूरा प्रिकॉशन ले सकते हैं। ऊना जिले में एक 88 साल का एयरफोर्स ऑफिसर कोरोना वायरस पॉजिटिव के लिए दिल्ली से ट्रीटमेंट ले रहा था और वो सक्सेसफुली ये डिसीज को फाइट किया है। वो हमेशा कहते हैं कि कीप ऑन फाइटिंग एंड नेवर लूज होप और डोंट फियर। ये हमारे लिए एक हौसला बुलंद करने की बात है। और किसी भी उम्र का हो, कोरोना वायरस को हम चाहे तो डिफीट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में वायरस का स्प्रेडिंग का रेट बहुत कम है और साथ में हिमाचल प्रदेश में जो रिकवरी रेट है ये हाईएस्ट इन द कंट्री है। इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। माइग्रेंट लेबरर्स जो हिमाचल प्रदेश में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में पूरा एक्टिविटी शुरू होना है और आपको काम करने का मौका मिलेगा और सरकार ने इकोनॉमिक पैकेज भी दिया है, इसलिए जहां तक हो सके स्टेट छोड़ के ना जाए। जो सरकारी दफ्तर में एंट्रेंस पर थर्मल स्क्रीनिंग करना उचित होगा, सरकारी दफ्तरों को डिसइंफेक्ट करना चाहिए और सरकारी दफ्तरों के अंदर मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए। ये सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट दफ्तर हो, सबके लिए लागू है। मीटिंग्स आदि अवॉइड करना चाहिए। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वेबिनार के द्वारा मीटिंग कर सकते हैं तो उचित रहेगा। और कैंटीन्स में ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, वहां पे बैठ के खाने की जगह अपने अपने जगह पर लेके जा सकते हैं। ये प्रिकॉशन लेने से दफ्तरों में भी इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं। WHO ने क्लैरिफाई किया है, सिगरेट या तंबाकू से, जो निकोटिन से, कोरोना वायरस का कंट्रोल नहीं होगी और इससे बढ़ सकता है। WHO ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि इस वक्त 7-8 जगह से अच्छी खबर वैक्सीन के बारे में आ रहा है, हो सकता है कुछ महीने में हमें वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। भारतवर्ष में भी मेडिसिन के बारे में भी अच्छी खबर आ रही है, तो हो सकता है कि हमें जो ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन उपलब्ध हो जाए। इस आशा के साथ हमें इस COVID-19 को फाइट करना चाहिए। जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज है, कंसल्टेशन की आवश्यकता है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 0804611007। इस नंबर से आप कंसल्ट कर सकते हैं या चंबा केयर लाइन में भी आप फोन करके कंसल्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस के बारे में, एंजाइटी के बारे में कुछ लोग कंसल्टेशन देना चाहते हैं। चंबा जिले के बरनौर तहसील में एक लड़का 3री क्लास में पढ़ता है और उसकी बहन 8वीं में पढ़ती है। ये दोनों भाई के बर्थडे के दिन CM रिलीफ फंड के लिए पिग्गी बैंक से 2100 रुपया डोनेट किया है। ये बहुत ही सराहनीय है, इससे हमको सीखना है और जहां तक हो सके CM रिलीफ फंड में डोनेट करना चाहिए। लेकिन
इसके साथ साथ कुछ लोग चीटिंग भी कर रहे हैं, कोविड 19 के नाम पर पैसा इकट्ठा करके फ्रॉड भी करने वाले हैं। ऑनलाइन फ्रॉड भी इस वक्त बहुत बड़ा हुआ है। जो नॉलेज है इसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या ऐप डेवलप कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, समाज का भला भी कर सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम में डिफेक्टिव है, जो लोग अपना ज्ञान को अपना फायदे के लिए मिसयूज कर रहे हैं। इसीलिए भगवान साईं बाबा ने कहा कि नॉलेज इज नॉट द पावर, इट इज द कैरेक्टर विच इज द पावर। जो ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स है इनमें से कमी है कैरेक्टर की। लखनऊ में एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम महेंद्र कुमार है, ये रोज ट्रक के नीचे 35 लोगों के लिए खाना बना रहा है और माइग्रेंट वर्कर्स को खिला रहा है और दाल बाटी बना के 1 रुपया भी किसी से भी नहीं लिया और खिला रहा है लोगों को। और उनसे पूछा गया कि आप पैसा क्यों नहीं लेते हो, उसका जवाब था कि मेरा अंतरात्मा इस हालात में पैसा लेने के लिए नहीं मान रहा है। हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं जिनका अंतरात्मा इस हालात में पैसा लेने के लिए मना कर रहा है और वे निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। एक इंस्टेंस को मैं इस वक्त बताना चाहता हूं। तमिलनाडु में कोयंबतूर डिस्ट्रिक्ट में एक 82 साल की औरत है जिसका नाम कमला था। ये सवेरे 5 बजे उठ के इडली तैयार करती है और सांबार और चटनी भी तैयार करती है और एक इडली के लिए 1 रुपया चार्ज करती है और दिन में 1000 इडली बेचती है। और किसी ने उनसे पूछा कि आप इडली का दाम 2 रुपया क्यों नहीं रखते, उस लेडी ने जवाब दिया है कि मैं मेरे कस्टमर्स में एक खुशी देखना चाहती हूं, अगर मैं 2 रुपया रखती हूं तो वो खुशी नहीं देख सकती, मुझे तो 200 रुपया का कमाई हो रहा है और मैं इससे संतुष्ट हूं, लेकिन मैं ये भी चाहती हूं कि हो सके तो इडली का दाम 50 पैसा रखना चाहती हूं, लेकिन महंगाई बढ़ी है इसलिए 1 रुपया रखी हूं। कोरोना वायरस के दौरान इस लेडी को सामग्री इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही थी, लोगों ने इस लेडी का मदद किया। ये लेडी कभी अपना बुढ़ापे के बारे में भी नहीं सोच रही है और पैसा इकट्ठा करने के बारे में भी नहीं सोच रही है। भगवान साईं बाबा ने कहा द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज वन हु इज कंटेंट। मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे अमीर औरत ये लेडी कमलातल है। इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको मिल सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन में 2 गैंगस्टर्स आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि कोविड 19 के इस संकट में हम लोगों का मदद करेंगे और दुश्मनी भूल जाएंगे। हमारे स्क्रिप्चर्स पुराण और महाभारत में भी इसका जिक्र है कि ऐसी हालत में दुश्मनों को भी मदद करना चाहिए। मैं महाभारत का एक इंस्टेंस का जिक्र करना चाहता हूं। जब महाभारत वार पूरा हुआ था, युद्ध के उपरांत रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि दानशूर कर्ण को आपने मारने में क्यों मदद की। भगवान कृष्ण जवाब देते हैं कि युद्ध भूमि में अभिमन्यु की मृत्यु हो रहा था, आखिरी क्षण में अभिमन्यु ने कर्ण से पानी मांगा था और वो पानी कर्ण के बगल में गड्ढे में उपलब्ध था, लेकिन फिर भी दुश्मनी की भावना की वजह से कर्ण ने अभिमन्यु को उस हालात में भी पानी नहीं दिया। इसलिए जब कर्ण का रथ का पहिया उसी गड्ढे में फंस गया तो मैं अर्जुन को कहा था कि यह सही वक्त है कर्ण को मारने के लिए और कर्ण मारा गया। हमारे लिए यह मैसेज महाभारत देता है कि ऐसी हालात में दुश्मनों को भी हमें मदद करना चाहिए और हिंदुस्तान के लोग इस वक्त निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग जो है कभी भी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ना थकने वाले हैं, ना टूटने वाले हैं, ना हारने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।